दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश हाइब्रो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाइब्रो स्टार बड़ा बगन। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज देखते हैं वाइपर के बारे में, जो वाइपर कैसे चलाएंगे, क्या है उसका फंक्शन, क्या है ऐसे। तो ये है उसका वाइपर लीवर, आप देख रहे होंगे, ये है वाइपर लीवर। इसमें दिया हुआ है 1 2 3, तो आपको इसको एक बार इधर कर दीजिएगा तो इसमें आपका दिया है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यही है बस। इसमें आपका स्पीड बढ़ाने वाला और स्पीड कम करने वाला, जैसे 1 2 3 दिया हो है वैसे। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, और ऊपर आप लोग ऐसे अगर उठाइएगा तो पानी आने लगेगा वाइपर वाला प्लेट में। तो दोस्तों आप तो समझ गए कि वाइपर कैसे चलाना है। तो दोस्तों आप कभी भी वाइपर चलाइएगा, या तो आप ज़रूरत के हिसाब से चलाइएगा, और आप कभी भी अपना हेड ग्लास में पानी मार लीजिएगा, और वाइपर में अगर डस्ट कुछ डस्ट डस्ट बालू सब अगर कुछ है तो उसको साफ़ कर लीजिए, उसके बाद में आप वाइपर चलाइए, ताकि आपका ग्लास में स्क्रैच ना हो और आपको रात में दिखने में कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से आप उसको वाइपर ब्लेड में डस्ट रहता है, बालू सब रहता है, तो उसमें आप ऐसे ही चला देंगे तो आपका हेड ग्लास में स्क्रैच आने लगेगा। फिर बाद में आपको नाइट में या रात में आप गाड़ी चलाते समय आपको दिखने में बहुत तकलीफ होगा। आगे तरफ से अगर कोई लाइट अगर मार देगा तो लाइट फोकस अगर आपका हेड ग्लास में लगेगा तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों आप लोग इस तरह मत कीजिए, कभी भी आप लोग वाइपर चलाइएगा तो पहले पानी मार लीजिए, उसके बाद में आप वाइपर चलाइए, ताकि आपका हेड ग्लास भी स्क्रैच होने से बचे। तो यही है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए या लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो लोगों को भी समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।